बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपको हमेशा अपने हिफ्ज़ो हमान में रखे, खुश रखे। अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रहे, आबाद रहे। मेरी तमाम सिस्टर्स की अल्लाह ताला तमाम मुश्किलात आसान फरमाए, अल्लाह ताला हर मुसीबत से बचाए आप सबको। आमीन सुमा आमीन। और जी, ये आज मेरी अम्मी बना रही हैं अलसी के लड्डू बना रही हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। और ये पहले भी हम बना चुके हैं, अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी। और आप वहाँ से देख लें। और आपको तो पता होगा कि अलसी के कितने बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा। सर्दियों में जो है, आप अगर इसे यूज़ करें तो बहुत ज़्यादा इसके, आपको अगर कमर में कोई मसला है, दर्द वगैरह हो रहा है या कुछ भी आपको ऐसा प्रॉब्लम है, तो आप ये यूज़ करें। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आप ये यूज़ करने से आपका वो मसला बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये मार्केट में आसानी से आपको मिल जाएगी, और थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है, लेकिन इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। आप ज़रूर ट्राई करें ये, और बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है ये। और अम्मी के हाथ के बने हुए तो खाने वैसे भी सभी को अच्छे लगते हैं। अम्मी के हाथ के हाथ में जायका ही इतना होता है, मज़े मज़े के खाने बना के देती हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़े के बने थे, बहुत ज़्यादा। जब भी आप ये, अगर आप ये खाएं, खाने में जब आप ये खाएंगे तो इसके ऊपर आपने ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है। तो और आपने जो है तो इसमें ऑयल नहीं यूज़ करना है, आपने इसमें घी डालना है, उससे आपके ये बहुत ज़्यादा मज़े के बनेंगे। और